नेक्स्ट बात करने वाले अपन सिंथेसिस ऑफ एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन के बारे में। टायरोसिन होता है, ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डोपामिन कन्वर्ट होता है, डोपामिन डाई हाइड्रोक्सिल फ्रेल एलरिन। इस रिएक्शन क्या होता है कि अपने टेट्रा हाइड्रोबायोटिन है वो डाई हाइड्रोबायोटिन में कन्वर्ट होता है। अब डोपा है डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में डोपामिन में चेंज होता है। इस रिएक्शन में कोई एंजाइम भी होता है पीएलपी पायरोडोक्सिल फॉस्फेटेज ना, तो डोपामिन होता है ये हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में नोरएपिनेफ्रिन में चेंज होता है। अब इस रिएक्शन में एस कार्बेट है डीहाइड्रोक्सीकार्बेट में कन्वर्ट होता है। नोरएपिनेफ्रिन है वो मिथाइल ट्रांसफरेज एंजाइम के प्रेजेंस में एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है। नोरएपिनेफ्रिन होता है इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं होता है, मतलब नो मिथाइल ग्रुप नहीं होता है ना, और जो अपना एपिनेफ्रिन है इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, तो इसमें मिथाइल ग्रुप का ट्रांसफर होता है, तो इसमें एंजाइम होता है मिथाइल ट्रांसफरेज। एस एडेनोसिल मिथाइल है वो एस एडेनोसिल हिस्टिडाइन में कन्वर्ट होता है इस रिएक्शन में। तो इस तरह से अपने डोपामिन नोरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन का सिंथेसिस होता है। अब होता क्या है कि डोपा से और डोपामिन में कन्वर्ट होता है, तो इस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या किसी भी रीजन से डोपामिन का प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाए, तो उससे एक डिजीज कॉज होती है, उसे बोलते हैं पार्किंसंस डिजीज। अब नेक्स्ट अपन बात करने वाले हैं पार्किंसंस डिजीज के कॉजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। कॉजेज तो वही हो गया ना, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन, मतलब डोपामिन का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो उससे पार्किंसंस डिजीज हो जाती है। तो ये अपनी पार्किंसंस डिजीज, पार्किंसंस डिजीज का कॉज क्या है, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ डोपामिन। होता है क्या कि डोपामिन होता है ये न्यूरोट्रांसमीटर होता है नहीं, अब न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है कि इंपल्स स्टिमुलस को एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में सेंड करता है, मतलब भेजने में हेल्प करता है। अब जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं होगा, मतलब डोपामिन नहीं होगा, तो इंपल्स एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में नहीं जा पाएंगे, जिससे काफी तरीके के सिम्टम्स आ जाएंगे, जैसे कि लॉस ऑफ बैलेंस या फिर मसल्स नर्व्स हैं जो आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बना पाएंगे, है ना। तो इसके सिम्टम्स में देखते हैं, पहला क्या है, स्लो मूवमेंट होगी क्योंकि स्टिमुलस से जा नहीं पा रहा, लॉस ऑफ बैलेंस नहीं बन पाएगा, मसल्स रिजिडिटी मीन्स कठोर मसल से जो कट हो जाएंगे, सीएनएस डिफेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं, तो ये पार्किंसंस हुआ क्या होता है, मतलब डोपामिन के डिक्रीज प्रोडक्शन के कारण। अगर अपन किसी भी रीजन से किसी भी तरीके से डोपामिन का प्रोडक्शन वो इंक्रीज कर दें तो ये ठीक हो सकता है, पार्किंसंस डिजीज ठीक हो सकता है। तो मेडिकेशंस विच इंक्रीज डोपामिन, मतलब कुछ मेडिकेशन या ड्रग्स जो डोपामिन को इंक्रीज करते हैं, उससे पार्किंसंस डिजीज का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। और फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा कुछ हद तक पार्किंसंस को ठीक किया जा सकता है, मतलब थोड़ा बहुत, जैसे कि मसल्स है वो कठोर हो गई या मूवमेंट है वो नहीं हो रहा है, मसल्स डोल नहीं रही है, तो उससे फिजिकल एक्सरसाइज के द्वारा पार्किंसंस को ठीक किया जा सकता है। बस ये अपना पार्किंसंस डिजीज कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बातें करेंगे अपन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन के बारे में, उससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बातें करें अपन सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सिंथेसिस ऑफ मेलानिन के बारे में। इसमें दो तरीके के मेलानिन पॉलीमर होते हैं, रेड एंड ब्लैक कलर के मेलानिन पॉलीमर होता है। नहीं, होता क्या है कि टायरोसिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्शन करके 3-4 डोपा का फॉर्मेशन करता है। अब तो इसमें ऑलमोस्ट रिएक्शन होती है ना, वो टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ही होती है। 3-4 डोपा है, ये टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में डोपा क्विनोन में चेंज होता है। अब डोपा क्विनोन है, अगर ये टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो ये फॉर्मेशन करता है ल्यूकोडोपेक्रोन का। नहीं, अगर ये डोपा क्विनोन है, ये टायरोसिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करे तो ये फॉर्मेशन करता है ल्यूकोडोपेक्रोन का। अगर ये सिस्टीन एंजाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ये रेड कलर के मेलानिन पॉलीमर का सिंथेसिस करता है। ल्यूकोडोपेक्रोन है ये मेलानोक्रोन में चेंज होता है, और मेलानोक्रोन है ये ब्लैक कलर के मेलानिन पॉलीमर में का सिंथेसिस करता है। बस इस तरह से अपने रेड एंड ब्लैक कलर के मेलानिन पॉलीमर का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट होता है ये अपना, अगर ये टायरोसिनेज एंजाइम होता है, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए या ये ब्लॉक हो जाए, तो इससे एक डिजीज कॉज होती है जिसे बोलते हैं एल्बिनिज्म। नहीं, अब अपन एल्बिनिज्म के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेक्स्ट बात करें एल्बिनिज्म की, एल्बिनिज्म में क्या होता है कि टायरोसिनेज एंजाइम में उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है। अगर टायरोसिनेज एंजाइम में इसकी डेफिशिएंसी होगी तो मेलानिन है उसका प्रोडक्शन नहीं होगा, तो इसे अपन ऐसे बोल सकते हैं लैक प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन या टायरोसिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से एल्बिनिज्म होता है।
और ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो मेलनिन क्या करता है कि अपनी स्किन, हेयर्स एंड आईज होती है उन्हें कलर देता है। तो सिम्टम्स की बात करते हैं, एब्सेंस ऑफ कलर इन द हेयर, स्किन और आईज एंड फोटोफोबिया। फोटोफोबिया मीन्स लाइट होता है, उससे फियर होगा, लाइट से फियर की कंडीशन होगी तो फोटोफोबिया की आ जाएगी। एंड इम्पेयर्ड विजन है, जो विजन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और ब्लाइंडनेस की कंडीशन हो जाएगी, स्किन का कार्सिनोमा मतलब स्किन का कैंसर हो सकता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये मतलब ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है एल्बिनिज्म, तो इसका मतलब इसका एक्यूरेट ट्रीटमेंट नहीं है। इसका जैसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे कि स्किन कार्सिनोमा है, इम्पेयर्ड विजन है, इनसे अपन बचा सकते हैं। जैसे कि ट्रीटमेंट में पहला है प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, मतलब कुछ क्लोथ्स वगैरह होते हैं जो स्किन को यूवी रेज से बचाते हैं, तो उसे स्किन कार्सिनोमा से बचा जा सकता है। फॉर प्रोटेक्टिव स्किन फ्रॉम यूवी रेज एंड सन ग्लासेज टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम यूवी रेज। सन ग्लासेज होते हैं जो आई को यूवी रेज से बचाते हैं, एंड आई ग्लासेज जैसे इम्पेयर्ड विजन हो गया, मतलब विजन में दोष हो गया, डिस्टर्ब हो गया, तो उसे ठीक करने के लिए आई ग्लासेज का यूज कर सकते हैं। बस ये अपना ट्रीटमेंट हो गया एल्बिनिज्म। थैंक यू।